एक अजय करके लड़का था, उसको परेशानियां, ऑफिस में जाए तो बॉस के साथ, घर पे आवे तो बीवी के साथ, बाहर जाए तो दोस्तों के साथ, उसको लगता था यार सब समस्याएं अपने घर पे ही है। वो फील ही फील करता रहता। एक दिन सुना के गांव में बाबा जी आए और बोले बाबा जी सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब अपने को मालूम पड़े कि बाबा जी समस्या है तो अपनी लाइन कैसे लगेगी, पूरा गांव की लाइन लग गई उधर। ये भी गया कि यार अपने जावे, इसका जब टाइम आया तब रात हो गई। बाबा जी के पास गया, बाबा जी यार बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है, सुबह उठता हूँ तो ये परेशानी, शाम को उठता हूँ तो ये परेशानी। बाबा जी बोले यार देख रात का टाइम है, मैं भी थक गया हूँ, तू कुछ खाना खा ले और मेरे पीछे जो मेरे 100 ऊँट है उन ऊँटों को जो संभालता है वो आज बीमार पड़ गया है, तू इतना काम कर दे रात को इन ऊँटों को सुला दे और फिर तू आके सो जाना। बोला बाबा जी इतना ही काम है? हाँ। बोले सुबह तेरी समस्या का समाधान मैं बता दूंगा। हो गई बात। रात को बट्टा वो अजय गया, 10 को बिठावे 2 खड़े हो गए, 15 को बिठावे 5 खड़े हो गए, रात को 12 बजा 2 बजा 4 बजा 6 बज गया 8 बज गया, वो ऊँट ऊंचे नीचे। बाबा जी आए कि बाबा जी अजय तेरी रात को नींद कैसे आई? कहा बाबा जी नींद आवे? तो बोले मुझे मालूम था। तो जब आपको मालूम था तो मेरे साथ ये क्यों? क्या बोले देख यही जिंदगी है, ये जो है ना अपने सब 100 समस्या लेके जिंदगी में चलते हैं, आप अपने प्रयत्न करके 10 को बिठा देते हो, दो खड़ी हो जाती है। और आप चाहते हो तो कई आदमी बिना आप कितना भी कर लो वो बैठते ही नहीं, और कई टाइम जाने के बाद बैठती है, समय चला जाता है तब अपने आप बराबर हो जाती है। तो जिंदगी बॉस आपको जो ना चुनौतियां और परेशानियां जिंदगी भर चाहेगी। चुनौतियां तो चाय में मलाई की तरह, मलाई लो और चाय पी जाओ। अगर आपको जिंदगी जीनी है, अगर आपको जिंदगी जीनी है ना, आप जिंदगी जीनी है तो ये परेशानियों के चक्कर में आप अपनी जिंदगी खराब मत करो। रोज आनंद लो, रोज 2 समस्या आएगी बोल देना निपट लूंगा, टेंशन मत ले तू। हाँ, तो जिंदगी का बस मौज कीजिए।